गांव में तुम्हें कौन मिला? पन्ना शेखर जी। जानते हो इनको? कैसे आप सभी लोग, और मैं कोले से सीधा आ चुका हूँ इतर स्कूटी लेने। जैसा कि ब्लॉग में देख लिया होगा आपने, तो मैं स्कूटी के शोरूम पर जा रहा हूँ। वो जो था नरेश, उसने बुक कर ली, वो ले लिया, वो मेरा ही वेट कर रहा है। तो अपन सीधा वहीं चलते हैं, ठीक है ना? तो पहुँच गए इतर के शोरूम पर, जस्ट मेरे से 100 मीटर की दूरी पर है, तो पहले चलना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर सीधी बस नहीं जाती। तो अपन चलते हैं वहाँ पर, ठीक है? हेलो भैया। ये शोरूम वाले भैया मेरे को लेने आ चुके हैं, हम सीधा शोरूम पर ही जाएंगे। यही लिए उसने, मतलब इस यही लिए, कलर दूसरा है। करवा दी क्या उसने बुक? सब हो गई, सब हो गई। बस हमें तो निकालना है। चलो भाई साहब, देखो भाई साहब, शोरूम वाले कैसी सुविधा प्रोवाइड करवाते, कस्टमर को जरा भी पैदल नहीं चलने देते, हमें लेने आ गए बस स्टॉप पर शोरूम के लिए। हो गया उसका सारा? हा? सारा हो गया उसका, ठीक है। चलो चलते हैं वहाँ पे भाई। सब कुछ उसने पैसे वैसे जमा करवा दिए, कलर चूज़ कर लिया, अब हमें सिर्फ लेके ही जानी है जस्ट। और ये हम आ चुके हैं ईतर के शोरूम पर। भाई साहब, ये ईतर का शोरूम, यहीं से बुक करवाया था, तो चलिए अंदर चलते हैं। चलो भाई साहब, इसने कर दी बुक, मिल गई, हो सारी हो गई। कौन सा कलर लिया? कौन सा? ब्लैक। तीन में से कोई सा है ही नहीं। किधर है? हेलो, ये रहा, ये वाला कलर लिया इसने, ब्लैक। दो तीन फॉर्मेलिटी बच रही, उनको पूरा कर रहे हैं कॉलिंग पे, उसके बाद देंगे गाड़ी भाई, क्योंकि पूरी चीज़ें कवर करना ज़रूरी है। देखते हैं कब तक पूरी हो। ये तो मेरे को फ़ोन करके बोल रहा था, भाई जल्दी आ जा, गाड़ी मिल गई, जल्दी आ जा, गाड़ी मिल गई। लेकिन यहाँ पे आके पता चल रहा है कि भाई अभी तक फॉर्मेलिटीज इसकी पूरी हो रही है, ठीक है? देखते हैं कब तक होती है। और कितना टाइम भैया, कब तक दे दोगे डिलीवरी, ये बता दो आप। भाई मैं इतने टाइम पर आपको दे दूँगा, 5 बजे तक, एक घंटा। तब तक कॉफ़ी पिला दो, कॉफ़ी पिला, समझाओ ना, तो तभी तो समझूंगा, समझो। दूध नहीं है, दूध नहीं है, लेके आऊँ फिर सब पड़ा है। तो लेके आऊँ ना कॉफ़ी यार, कब से बैठा, एक घंटे ऐसे ही बैठे रहेंगे क्या? कॉफ़ी पी के टाइम पास करेंगे हम? एक घंटे बाद भाई ने कॉफ़ी लाया है मेरे लिए, बताओ। बड़ी जल्दी, अभी भी टाइम नहीं है, अभी भी टाइम नहीं है। और कितना टाइम लग जाएगा भाई स्कूटी में? आधा घंटा पक्का, ठीक है भाई, जब तक हम कॉफ़ी ख़त्म कर लेते हैं। तो फाइनली सारा काम कंप्लीट हो गया, अब स्कूटी लेके जा रही है, तो चल नरेश चलते हैं। तो भैया हमारी स्कूटी हो चुकी है तैयार, सारे काम पूरे हो चुके हैं, और ये बाहर निकालेगा पहली बार चलाते हुए इस स्कूटी को। आ जा भाई, लिया गाड़ी, लिया बार। पहली बार भाई स्कूटी के साथ चॉकलेट का बॉक्स मिला है, और हेलमेट भी। हेलमेट तो खैर देते हैं सब। और भैया फीचर समझाएंगे अब इसका, चेक कर लो गाड़ी को। 599 47 599 47 सेट डाउन कैसे होती है उसका ऑप्शन आता है। फोटो खिंचवाएंगे ना, फोटो भी खिंचवाएंगे, सब खिंचवाएंगे, अब तो हमारी हो गए ना। चल भैया आप भी मस्त हो यार। कोई भी दिक्कत है फोन नंबर पर आइए भैया के पास। भाई साहब ले ली गाड़ी, अच्छी यार, अच्छी दिख भी रही है लुकिंग में, सब कुछ अच्छा लग रहा है। हमारे हिसाब से लिए हमने, क्योंकि तो हमें सिंपल सोबर सी नहीं चाहिए थी, और पेट्रोल को भी देखना था, क्योंकि पेट्रोल इतना महंगा हो रहा है, तो भाई इलेक्ट्रिक ही लेनी थी। तो ये ले चुके हैं भैया, आप इसको फीचर समझाएंगे तो हम मिलते हैं बाद। ऑफिशियली गाड़ी हो चुकी है हमारी, जैसा कि आप देख रहे हो सारे काम हो चुके हैं, जो भी इनको करना तो कर लिए। अब हम सबसे पहले जाएंगे गणेश जी के मंदिर मोती डूंगरी, तो पहले वहाँ पे इसकी पूजा वूजा करवाएंगे, ताकि ये अच्छे से चल सके, बाकी अनहोनी ना हो। तो अब चलते हैं सीधा वहाँ पर, और तेरे को कॉन्ग्रेचुलेशन। तो हम हो चुके हैं जाने के लिए तैयार गणेश जी के। ये रही हमारी स्कूटी, ये रही हम दोनों, सेफ्टी फर्स्ट।
हेलमेट लगाना जरूरी है, तुम भी लगाया करो, ठीक है? चले रे, चले, ठीक है। पहली राइड इस गाड़ी की, हमारी न्यू गाड़ी की पहली राइड। पूजा का ये सामान है, इसमें प्रसादों के प्रसाद दिखा दे, एक बार प्रसाद दिखा दे, दिखा दे इसमें खोल के। लड्डू हो गए, माला हो गई, नारियल वगैरह। चल चल अंदर फिर। ये है मोती डूंगरी गणेश टेम्पल, ये पूरे जयपुर का सबसे बड़ा और फेमस मंदिर है गणेश जी का। तो यहाँ भी कोई भी नए जो व्हीकल आता है, जैसे ये कारें वगैरह, ऑटो वगैरह, सब यहाँ पे पहली बार पूजा करवाते हैं, क्योंकि कुछ भी शुभ काम करने से पहले गणेश जी को पहला भोग लगाते हैं, तो वही करते हैं ये सब। तो ये वैसे हम करवाने आए गाड़ी का नया नया, आप कोई पंडित जी को बुलाएंगे, उनसे पूजा करवाएंगे। ये है गणेश जी का मेन द्वार। वैसे आज का बुधवार है ना, गणेश जी का ही वार है, तो इसलिए ज़्यादा भीड़ है। वैसे और दिन जितनी भीड़ नहीं रहती, आज कुछ ज़्यादा ही भीड़ है यहाँ पे। अब गाड़ी की पूजा कर रहे हैं ताकि हमारी गाड़ी अच्छे से चल सके। यहाँ पर जो भी नई गाड़ी आती है वहाँ पे पंडित जी सब गाड़ियों की पूजा करते हैं। माला निकाल, डब्बे को इस पे रख दे। लो भाई हो गई भाई इसकी भी पूजा गाड़ी की। में देखो कौन मिला, पन्ना शेफर जी। जानते हो इनको, पता नहीं कौन मिला था। पन्ना शेफर भाई साहब राजस्थान के हास्य कलाकार है, उनके बचपन से हम उनकी वीडियो देख रहे हैं। आज भाई उसकी गाड़ी की पूजा करवाने आए थे, हमें मिल गए यार, वो बहुत शानदार आदमी है यार। यार पर उम्मीद नहीं थी, मेरे को क्या बोले, जावा दे। और मेरे को बोलेंगे तो फोटो खींच ले यार। मतलब भाई वीडियो में लेना जरूरी था भाई साहब, इतने बड़े कलाकार ऐसे चलते मिल गए, बड़ी बात है। आज का दिन भाई सफल हो गया यार, मुंह छुपा के चलेंगे भाई, मुंह छुपा के चलेंगे। इतने बड़े कलाकार है, राजस्थान के बहुत बड़े कलाकार है भाई, उनकी मूवी आती है पन्ना शेफर नाम से, आप गूगल करके, जो राजस्थान के बाहर के ना, कौन नहीं जानता उनको, नहीं राजस्थान के बाहर के जो नहीं जानते भाई साहब वो जान जाएंगे। पन्ना शेफर सर्च कर लेना यूट्यूब, उनकी इतनी मूवीज आ जाएगी जिसकी हद नहीं है भाई साहब। आज का दिन चल चल पूजन करवाते हैं। अरे यार पूजन, तेरी गाड़ी का भी काम अच्छा हो गया और मिलने का मौका मिल गया पन्ना शेफर जी से भाई साहब। गाड़ी वाले कोई सी भी ले लो, लेकिन जो ट्रैफिक है ना, ये ट्रैफिक झेलना ही पड़ेगा, चाहे इलेक्ट्रॉनिक लो या पेट्रोलिंग लो, ठीक है ना भाई साहब, कितना बड़ा ट्रैफिक है यार। सब कुछ भाई बहुत अच्छे से हो गया, गाड़ी ले ली वहाँ पे, गाड़ी का सारा काम अच्छे से हो गया, उसके बाद पूजा अच्छे से हो गई, और वहाँ पे भाई पन्ना शेफर मिला। और सबसे बड़ी बात, अच्छा दिन है बुधवार का, गणेश जी का त्यौहार है। वो बोलते हैं ना भाई, कोई भी काम करने से पहले गणेश जी को चढ़ाते हैं, उसके बाद फिर काम शुरू करते हैं। तो भाई एकदम अच्छे से हुआ, सबसे पहले घर जाने से पहले हमने ना गणेश जी के वहाँ जाके आए, वहाँ पूजा करके आए, इसकी पूजा करें एक बार देख लो आप अच्छे से, इसकी पूजा करके आए, पंडित जी से करवाइए, सब कुछ अच्छे से हो गया। तो नरेश तेरे को लग कैसा रहा है, तेरी नई स्कूटी को चला कर, यही चला के लाए ले गया तो मैं था लेके, लेकिन लेके ही आया, कैसा लगा तेरे को? बहुत बढ़िया लग रहा है यार, नई स्कूटी और वो भी इलेक्ट्रॉनिक। भाई मिडिल क्लास के लिए यार ये छोटी छोटी कुछ भी बहुत बड़ी होती है, तो मेरे को खुशी है भाई आ गई, ये भी चलाएगा कभी कभी मेरे को भी। कहाँ चल रहे कल घूमने? अभी तो भाई पहले, हाँ मेरा मंदिर का काम है, वहाँ जाके आना है, उसके बाद फिर भाई, अब तो यार इसी के साथ आता रहेगा अधिकतर। हम कभी संडे वनडे होगा ना छुट्टी कॉलेज के अलावा,
तो भाई इसी स्कूटी का ब्लॉग आएगा, क्योंकि ये मेरे बिना अकेले संडे जाता नहीं कहीं, तो बढ़िया है। ठीक है, तो आज का ब्लॉग यहीं तक था। आई होप आपको मज़ा आया होगा हमारी खुशी देखकर। तो एक बार कमेंट में इसको कॉन्ग्रेचुलेशन बोल देना स्कूटी के लिए। ठीक है, तू भी कुछ बोलना चाहे तो बोल दे। देखो इतनी खुशी है भाई को, भाई बोल भी नहीं पा रहा। ठीक है, इसकी तरफ से मैं बोल लेता हूँ। ठीक है, तो एक लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। हम मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। ठीक है।